सुबह जब 7 बजे शाशो की नींद खुली तो जिनमें कहता है क्या तुम जाग गई। ये सुनते ही शाशो झटके से जाग उठी और वो भाग के बाथरूम में चली गई नहाने के लिए। फिर ब्रेकफास्ट के बाद शाशो कहती है कि मैं प्रेसिडेंट नान के साथ ही ऑफिस जा रही हूँ। उसका बाप कहता है आज रात भी उसे डिनर के लिए घर लेती आना। तो शाशो गुस्से से चिल्लाती है डैड अब बस भी करो। रास्ते में जिनफेंग उसे पूछता है तुम थकी हुई लग रही हो, क्या तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई थी। शाशो मन में बोलती है ये पूछने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं पहली बार एक ही बेड पर किसी लड़के के साथ सोई हूँ और इससे भी बड़ी बात ये है कि वो लड़का मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। पहुंचने के बाद वो कार से उतरती है और कहती है तुम नहीं समझोगे अब मैं जा रही हूँ। और जब उसने लीवान को देखा तो वो उससे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, मतलब कि वो उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन लीवान तो अपनी बात करने लगी। पता है तुम जब कल चली गई थी उसके बाद प्रेसिडेंट नान को होश आ गया था, उसने कहा कि वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसका आखिर मतलब क्या होगा। ये सुन के शाशो फिर से सैड फील करने लगी, लेकिन वो हंसती हुई कहती है कि आई थिंक प्रेसिडेंट नान तुम्हें डेट करना चाहते हैं। तभी किसी ने शाशो को काम से बुला लिया। उसके जाने के बाद लीवान सोचती है कि शाशो मैं कभी भी तुमसे फाइट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो भी नान जिनफेंग और मेरे बीच में आएगा मैं उसे माफ नहीं करूंगी। शाशो को ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में बुलाया गया था। उसे बताया गया कि एक नया एम्प्लॉय आ जा रहा है तो तुम उसे गाइड करना। फिर वो नया एम्प्लॉय आ गया और वो है ये शाशो का एक्स बॉयफ्रेंड लिंग्यू। शाशो तो शॉक्ड रहेगी कि ओह माय गॉड क्या ये लिंग्यू मेरा नया कलीग है। वो कहती है कि तुम यहाँ यूनफेंग ग्रुप में क्या कर रहे हो। लिंग्यू कहता है ऑफ कोर्स मैं मेरी मर्जी से आया हूं और ये कंपनी तुम्हारी नहीं है। शाशो मन में गुस्सा करती है कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। शाशो ने कहा कि तुम काम की शुरुआत में फाइल को अलग अलग कर सकते हो, तो लिंग्यू कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रही हो, तुम मेरी बॉस नहीं हो। शाशो कहती है लेकिन एचआर मैनेजर ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे काम के बारे में तुम्हें गाइड करूं। लेकिन लिंग्यू आराम से बैठ गया और कहा कि उसने तुम्हें मुझे गाइड करने को कहा है, मुझे काम के बारे में ऑर्डर्स देने को नहीं कहा, वो तुम्हारा काम है तो खुद ही कर लो। शाशो फिर से उसे मन में गाली देती है। तभी शिया महंगाई और शाशो से कहा कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें प्रेसिडेंट नान की अप्रूवल की जरूरत है, तो प्लीज उसे ये दे के आओ। लेकिन जिनफेंग का नाम आते ही लिंग्यू तुरंत ही उठ के वो डॉक्यूमेंट अपने पास ले लेता है और कहता है कि ये काम मुझे दे दो। शिया मैंग उसकी तारीफ करती है कि ये नया असिस्टेंट तो बहुत ही हार्डवर्क कर रहा है। शाशो मन में बोलती है वो काम नान जिनफेंग से रिलेटेड था इसलिए वो हार्डवर्क कर रहा है। फिर वापस आने के बाद लिंग्यू कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, आए शाशो मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। शाशो गुस्से से कहते हैं कि बहुत हुआ मैं प्रेसिडेंट नान की असिस्टेंट हूँ तुम्हारी नहीं, जरा देखो खुद को आज तुम्हारे काम का पहला दिन है और तुम गेम खेल रहे हो और सो रहे हो, तुमने एक भी काम नहीं किया, क्या मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूँ और तुम्हें फायर करवा दूँ। लिंग्यू कहता है अगर मुझे यहाँ से फायर कर दिया गया तो फिर तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी लीवान वहाँ पे आई और कहती है तुम दोनों क्या झगड़ा कर रहे हो, आई शाशो ये कौन है। लिंग्यू कहता है मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। शाशो कहती है हमने बस एक हफ्ते के लिए एक दूसरे को डेट किया था, तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हो। लिंग्यू कहता है अगर हमने एक दिन के लिए भी डेट किया होता तो तब भी मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ही हूँ, और इससे भी बड़ी बात मैंने पहले तुम्हें डंप किया था। तभी जिनफेंग वहाँ पे आया और लीवान को बुलाता है। उसे देख के लिंग्यू तोते की तरह उड़ने लगा, तो शाशो कहती है कि इतना भी ज्यादा पागल बनने की जरूरत नहीं है। जिनफेंग लीवान से कहता है कि आज रात तुम फ्री हो। लीवान कहती है हाँ आपके लिए तो कुछ भी। जिनफेंग कहता है आज रात मेरे घर आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शाशो और लिंग्यू उन दोनों को बातें करते देख रहे थे और लिंग्यू उसे पूछता है कि वो बिच कौन है। शाशो कहती है वो मेरी फ्रेंड है, हम ऑर्फनेज में साथ में ही बड़े हुए हैं। लिंग्यू गुस्से से बोलता है कि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे सेड्यूस करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, अभी मैं जाके उसे मजा चखाता हूँ। और वो शाशो को भी अपने साथ ज्वाइन होने को कहता है कि हम मिलके उसे मजा चखाएंगे। शाशो उसे मना करती है कि कोई गड़बड़ मत करना। तो फिर लीवान रात को जिनफेंग के विला में पहुंची। मेड ने उसे बताया कि मिस्टर नान अभी तक घर नहीं आए हैं, तो आप स्टडी रूम में उसका इंतजार करिए। तो फिर लीवान स्टडी रूम में उसका इंतजार कर रही थी और वहाँ पे उसने एक फोटो देख ली और उस फोटो में वही नेकलेस था। उसे बचपन की याद आ गई, वो शाशो से उसका नेकलेस मांग रही थी, लेकिन शाशो ने उसे मना कर दिया था कि ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। नान ने मुझे बताया था कि सिर्फ यही चीज है जिससे मैं मेरे पेरेंट्स को ढूंढ सकती हूँ, सिर्फ ये नेकलेस ही मेरी असली पहचान है।